नर्सरी से फूला हुआ गुड़हल का पौधा आप खरीद करके ले आई, उसमें एक दो फूल भी खिला हुआ था और उसमें दो चार कलियां भी बनी हुई थी, और घर में आकर के जब आप उसको लगा दी तो वो उतना खिलने के बाद फिर वो कलियां नहीं बनी उसमें और वो फूल भी देना बंद कर दिया। आप उसमें बहुत तमाम प्रकार की जो है खाद वगैरह डाली, फिर भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर ये समस्याएं आपके साथ हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आप हमसे जुड़िए, मैं आपको वो सलूशन वो उपाय बताऊंगी जो वो लोग रासायनिक करते हैं, बट हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से बताऊंगी। ये चीजें आप अपने पौधों में समय समय पे डालते रहिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि हमें मिल रहा है। तो फिर वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंद्रकला मिश्रा बनारस से, आप देख रहे हैं माई ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन। मेरे हरे भरे गार्डन में आपका भरपूर स्वागत है। फ्रेंड्स कैसे हैं? फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के साथ करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करूं, मेरा हर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला ही होता है, तो सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इस समस्या से जूझते रहते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली और रिलेशन में। तो फिर चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट है, वो लोग क्या करते हैं कि हमारे पौधे अच्छा खासा घर लाने पर फूल नहीं देते हैं और उनके यहाँ वो अच्छा खासा खिले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो रसायन भरपूर डाले रहते हैं जिससे उनको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, बट हम लोग रसायन यूज नहीं करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ और लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि रसायन मत डालिए, रसायन से मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है और जो है आपका फिजूल खर्ची भी होता है। तो फ्रेंड्स, उसका ऑर्गेनिक चीजें मैं जो है बराबर अपने पौधे में डालती रहती हूँ। जैसा कि एक साल पहले मैं भी इस पौधे को खरीद कर लाई थी और उसको 10x10 के गमले में जो है लगा दी थी। लगाने के बाद दो चार महीने हमको इक्का दुक्का वो फूल दिया, फूल देने के बाद वो मुझे अच्छा खासा फूल नहीं दे रहा था। तो मैं जो है अपना रिसर्च किया हुआ अनुभव उस पे ट्रीटमेंट की और उसका नतीजा मुझे बेहतरीन मिला। मैं उसको थोड़े से बड़े जो है कंटेनर में उसको जो है लगाई, आपके सामने है, और उसके बाद उसका इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया जो कि आपके सामने है, आप देख सकती हैं। ये पहले तो आप इसकी कलियों को देखिए, इसमें कितनी ढेर सारी कलियां हैं, और नवरात्र शुरू होने से ही शुरू होते ही हमें जो है फूल देना भी शुरू कर दिया। देखिए, मैं चारों तरफ से आपको ये दिखा दे रही हूँ, और मेरा पौधा कितना हेल्दी है ये भी आप देख करके अंदाजा लगा लीजिए। तो आइए हम बताते हैं फटाफट से कि वो कौन सी चीजें हैं जिसका वो लोग प्रयोग करते हैं बट रासायनिक, लेकिन मैं जो है वो ऑर्गेनिक डालती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें उसकी मिट्टी हेल्दी बनानी है, और पॉट जो है अगर आपको अच्छा खासा फूल लेना है, उसे 4-6 फूल लेना है तो छोटे में लगा दीजिए, बट अगर आपको 10-20 फूल उससे रोज डेली चाहिए, जैसा कि ये हमें सैकड़ों की संख्या में देता रहता है, आप देख सकती हैं, तो थोड़ा सा पॉट बढ़ा लीजिए, कम से कम 16x16 आप 16 के ऊपर लीजिए, उससे नीचे आप मत लीजिए, पहला चीज। दूसरी चीज, आप ऑर्गेनिक चीजें उसमें डालिए तो मिट्टी आप हेल्दी बनाए। मिट्टी बनाते समय पत्ते क्रश किए हुए, गोबर की खाद, मिट्टी वगैरह वगैरह जो बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, तो मैं मिट्टी बनाते समय भी आपको वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। उसके बाद जो है ये समय समय पर ये चीजें आप डालते रहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी है सीक्रेट है कि आपके पौधे की पत्तियां जो है बिल्कुल हरी भरी अच्छी सुंदर बनी रहेंगी, पौधा सुंदर खूबसूरत देखने में लगेगा जैसा कि हमारा है। तो ये आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट डालिए, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको ऑनलाइन भी मंगाना होगा तो आप मंगा सकते हैं, बट मार्केट में भी ये मिल जाता है, ये भी जरूरी है। इसके बाद मैं अभी जो है 15 दिन पहले एक जो है वीडियो अपलोड की हूँ डालते हुए, इस पौधे में दिखाई हूँ, तो इसमें भी डाली थी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं, उस समय इसमें एक भी कली नहीं थी। उसके बाद अभी मैं आज डालूंगी नहीं, सिर्फ आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद ये जो है केले का छिलका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुड़हल के लिए, ये अगर आप इसको भिगा करके डालिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। और ये है सड़ी हुई गोबर की खाद, और ये फिटकरी, अगर कली नहीं बन रही है तो सबसे बेस्ट खाद फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर ये होता है, आप इसे अपने पौधे में जरूर डालिए, मात्रा ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि पौधा जो है अगर कम पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पड़ेगा तो इससे पौधा खराब भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक है बट एसिडिक होता है, तो थोड़ा अधिक पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो आपका पौधा जिस हिसाब से होगा, अगर 10x12x12 या 14x14 के होगा तो एक चम्मच इसमें पौधा जड़ से थोड़ी दूरी पे डालिए। और ये चूना है, ये चीजें आप मिला करके अच्छा खासा अपने एक फर्टिलाइजर बना के आप अपने पौधे में डाल सकती हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप सब बोलते हो कि आप वीडियो लंबा कर देती हैं। फ्रेंड्स, अगर सब कुछ जानना है तो मैं कितना जल्दी बोल दूंगी, आप समझिए। तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो ही जाता है अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो। बट अगर लोगों को ये लगता है कि मैं वीडियो लंबा कर देती हूँ तो मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी आपको बता दे रही हूँ। अगर इसका जो है फर्टिलाइजर इन सब चीजों का, लेकिन समय समय पे एक ही बार मत डालिए, 15 दिन में कुछ डालिए तो 15 दिन में कुछ डालिए, तो 3 महीना में इसको डालना है, इस तरह से आप डालिए। अगर इसका आप लोगों को डिटेल चाहिएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसका डिटेल डालते हुए फिर वीडियो बनाएंगे तो आपको से शेयर करेंगे। देखिए इसका पार्ट लंबा सिर्फ है, चौड़ा ज्यादा नहीं है, मात्र 5-6 इंच बस चौड़ा है, फिर भी ये हमें अच्छा खासा जो है फूल देना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप जुड़े रहिएगा, मैं समय समय पे आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तो फिर जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।